टीचर उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जिसने जो भी दिया उसने दिया उछाल। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में ये बात कही। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विपक्ष पर जमकर बरसे। कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर लगातार निशान साधा, खासतौर पर राहुल गांधी पर, और आज राज्यसभा से जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 56 इंच का सीना चौड़ा कर मैं बोलता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम लगाने वाले, आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले हैं, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ये देश, देश का समर्थन है, ये देश का भरोसा है, ये देश की जनता का भरोसा है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 356 का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू गांधी परिवार सरनेम नहीं यूज करने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी तमाम बातें विपक्ष की नारेबाजी के बीच उन्होंने कहा कि मैं सीना चौड़ा करके बोलता हूँ कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ेगा। इसके अलावा शायराना अंदाज में उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कीचड़ था, मेरे पास गुलाब, जिसने जो भी दिया वो दिया उछाल। तो काफ़ी देर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 85 मिनट तक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। उन्होंने लगातार विपक्ष के नारेबाजी के बीच विपक्ष पर तमाम निशाने साधे, और अडानी को लेकर जो राहुल गांधी ने 2 दिन पहले सदन में सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा कि सदन में कम से कम 60 से 70 बार राहुल गांधी ने अडानी का नाम लिया था, लेकिन कल लोकसभा में भी बिना नाम लिए एक भी बार नाम नहीं लिया और उनके सारे सवालों के जवाब भी दे दिए। लेकिन सदन से बाहर आने के बाद राहुल गांधी काफ़ी आक्रामक, काफ़ी गुस्से में भी दिखे। उन्होंने कहा थे कि वो जो सवाल हम चाहते थे, जिनके जवाब हम चाहते थे, वो इग्नोर किए उन्होंने किया और उन सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिला। लेकिन आज राष्ट्रपति के अभिभाषण को संबोधन करते हुए, धन्यवाद प्रस्ताव के अभिभाषण को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर लगातार हमले किए, जोरदार हमले किए। क्या कुछ कहा इस लाइव में, हम वो चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इस वक्त मैं फेसबुक पर लाइव हूँ। अगर आपने वो भाषण सुना है, 85 मिनट का, लगभग 1.5 घंटे का भाषण, तो आप भी इस चर्चा में जुड़कर अपनी राय रख सकते हैं। और या फिर कल का भाषण सुना हो, ये उसी की लीक में, उसी की कड़ी में है। और तमाम बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन से किए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर, अगर विपक्ष बोलता है कि कर्ज ले लिया जाए, लेकिन भुगतान आगे आने वाली पीढ़ी करेगी। उन्होंने बोला कि हमारे पड़ोसी देश का हाल देख लीजिए। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर कोई भी वर्ल्ड बैंक, कोई भी इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक, कुछ भी उन्हें मदद, आर्थिक मदद देने से पीछे हट रहा है। कारण यह है कि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। क्या विपक्ष यही चाहता है कि पड़ोसी मुल्क की तरह भारत की भी हालत हो जाए? अगर आज हम कर्ज लेते हैं तो वह आगे आने वाली पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज कर्ज लेकर घी खा लेते हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक अगर किसी देश को कर्ज देता है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी दरें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि आज हम देश की बात करते हैं, इतनी सारी योजनाएं लाए हैं, इतनी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं, तो विपक्ष निशाना साधता है कि हम कोई योजना ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि कर्जे ले लिया जाए, भुगतान अपनी आगे आने वाली पीढ़ी करे, और उसके बाद दुनिया में उन्हें कोई, आज पाकिस्तान का एग्जांपल देते हो, क्योंकि पाकिस्तान को कि आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ जो 4 दिन से मुलाकात चल रही थी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की टीम दरअसल पाकिस्तान का दौरा कर रही थी, आज 9 फरवरी को उनका लास्ट दिन था। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहीं ना कहीं अभी तक पाकिस्तान को सहायता के तौर पर, मदद के तौर पर, आर्थिक मदद करने से इनकार कर दिया है। और ये भी हो सकता है कि शायद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की तरफ से, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से, पाकिस्तान को शायद डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक या फिर कहीं से भी आर्थिक मदद लेने में बहुत दिक्कतें पेश आएंगी। तो इसी का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष शायद ये चाहता है कि भारत की हालात भी पाकिस्तान की तरह हो जाए, कि अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है या फिर वर्ल्ड बैंक है, उनसे कर्जा ले लिया जाए और उनका उनको उनका भुगतान या चुका तो अभी कोई पाएगा नहीं, और आने वाली पीढ़ी को, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन हो, उसे इससे दो चार होना पड़ेगा और उनकी मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि सभापति को संबोधन करते हुए कि क्या एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष की नारेबाजी लगातार जारी थी, लगातार विपक्ष के हर मेंबर वहां पर नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन इस बीच
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाज चौड़ी करते हुए बोला, आवाज को बुलंद करते हुए बोला कि मैं अपना सीना चौड़ा करके बोलता हूँ कि एक अकेला इन सभी पर भारी पड़ जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए, देश के विकास के लिए यहाँ पर किसी भी पार्टी का पक्ष या विपक्ष नहीं होना चाहिए, हर किसी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। उन्होंने बोला कि, और इसके अलावा उन्होंने कीचड़ वाली जो शायरी है वो भी कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जितने आप मुझ पर आरोप लगाएंगे कमल उतना ही खिलेगा, इसलिए कमल खिलाने के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है आप करते रहिए, लेकिन जितना भी आप कीचड़ हम पर उछालते रहेंगे उतना ही हर जगह कमल खिलेगा। यही कारण है कि आज की तारीख में लगभग हर राज्य में बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा उन्होंने 356 आर्टिकल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक हमारी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 356 का आर्टिकल, 356 का अनुच्छेद 356 का 50 बार उपयोग किया और उनका नाम था इंदिरा गांधी। 356 को लेकर उन्होंने निशान साधा था। उन्होंने इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ पर नेहरू सरनेम यूज़ करने में लोगों को शर्म क्यों आती है, और वो लोग हमसे सवाल करते हैं कि जो नेहरू, और क्योंकि उन्होंने कहा कि गांधी और नेहरू के नाम पर बहुत सारी योजनाएं हैं, कम से कम 700 से भी ज़्यादा योजनाएं हैं। वो कहते हैं कि जब भी देश की उपलब्धियां गिनाई जाती हैं तो नेहरू गांधी सरनेम से जुड़ी, नेहरू गांधी जो भी योजना है उनसे जुड़ी योजनाओं का प्रधानमंत्री जिक्र नहीं करते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने कहा अगर मैं जिक्र नहीं करता हूँ तो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि नेहरू सरनेम जो उनके परिवार के लोग हैं वो खुद ही इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि नेहरू जी इतने अच्छे आदमी थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर इतनी योजनाएं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, उसके बावजूद भी उनका खुद का परिवार उस नाम को, उस सरनेम को अपनाने से डरता है, कतराता है, तो वो कैसे उम्मीद करते हैं बार बार कि भाजपा का प्रधानमंत्री वो भी बार बार नेहरू का जिक्र करे, नेहरू के नाम पर योजनाएँ लाए, नेहरू के नाम पर सड़कें लाए, या फिर कुछ भी जो भी शुरुआत करनी हो वो नेहरू सरनेम से ही क्यों किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत किसी एक परिवार की जागीर नहीं, किसी एक परिवार की प्रॉपर्टी नहीं जो सब कुछ उन्हीं के नाम पर हो। उन्होंने ये भी कहा जब एक परिवार, जिस परिवार की शुरुआत नेहरू से हुई है, वो परिवार खुद भी इस सरनेम को अपनाने से कतराता है, तो फिर विपक्ष इस तरह राहुल गांधी पर दरअसल वो निशाना बोल रहे थे, हमला बोल रहे थे, तो फिर हमसे कैसे उम्मीद कर सकता है कि हम हर बार नेहरू का जिक्र करें। हमने बिल्कुल काम किया है। उन्होंने कल भी जिक्र किया था कि आज की तारीख में एक आदिवासी दलित महिला देश की राष्ट्रपति है, क्या कांग्रेस के वक्त ये संभव हो पाया था। उन्होंने लगा, क्योंकि दो दिन पहले राहुल गांधी ने फॉरेन पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि फॉरेन पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने दो मित्रों के लिए बनाई है, वो है अदानी और अंबानी, जिसका जवाब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दिया, आज राज्यसभा में दिया। उन्होंने लगातार विपक्ष पर हमला बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, आज देश की महिलाएं इज्जत घर में रह रही हैं, उनके पास रहने के लिए घर है, लोगों के पास रहने के लिए पक्के मकान हैं, गैस कनेक्शन सब तक पहुंच चुका है, जल हर नल में जल पहुंच चुका है, जहां जल पहुंचा नहीं करता था आज हर किसी के पास पीने का पानी है। उसके अलावा उन्होंने इज्जत घर की बात की, गैस कनेक्शन की बात की, बिजली की बात की। उन्होंने कहा जहाँ बिजली देखने को नहीं मिलती थी, बिजली के बारे में लोगों को नहीं पता था, वहाँ आज बिजली है, जो भी बेसिक नेसेसिटी होती है इंसान के जीवन में वो सब कुछ बीजेपी के आने से, बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल के दौरान पॉसिबल हो पाया, मुमकिन हो पाया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में 70 एयरपोर्ट्स बने, लेकिन 9 सालों में ही 70 एयरपोर्ट बन गए। उन्होंने बहुत सारे जिक्र किए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, रेलवे लाइन का जिक्र किया, रेलवे जो जाल बिछा है उसका जिक्र किया कि कहाँ कहाँ तक अब रेलवे के जाल बिछ चुके हैं, नेटवर्क बिछ चुके हैं, एयरवेज के नेटवर्क बिछ चुके हैं, अब कितना आसान हो चुका है एक जगह से दूसरी जगह जाना, बहुत सारे एयरपोर्ट की डेवलपमेंट हुई है। सड़कों का जिक्र किया, सड़कें बहुत अच्छी बन चुकी हैं, कई कई लेन्स के हाईवे, ब्रॉडर लेन के हाईवे बन चुके हैं। ऐसी तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि अब देश का कद बढ़ा है, देश भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, कोरोना महामारी के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद भारत अपने कदमों पर स्थिर खड़ा रहा, भारत गिरा नहीं
और ये मुमकिन हो पाया है क्योंकि भारत की जो कूटनीति है और भारत की जो स्ट्रैटेजी है देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश की जीडीपी को लेकर, वो बिल्कुल सही थी। यही कारण कि भारत आज अपना सीना चौड़ा करके, अपनी गर्दन ऊंची करके, अपना सिर ऊंचा करके खड़ा है। इन सभी सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन से दिए, राज्यसभा से दिए। सभापति के को संबोधन करते हुए उन्होंने सारी बातें विपक्ष की नारेबाजी के बीच एक एक बात उन्होंने अपनी तरफ से रखी। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। आज की जो भी अभिभाषण संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसी मुद्दे पर आपसे थोड़ी देर में हमारे चैनल पर डिबेट है, आप उस पर भी जुड़कर अपने व्यू पॉइंट, अपने कमेंट्स दर्ज करा सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर कहीं पर भी जुड़ सकते हैं। और इस मुद्दे पर जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की, इस पर भी आपकी कोई राय है तो वो भी आप यहाँ पर जुड़कर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आज जो भाषण दिया है, क्या उन्होंने वाकई सारे के सारे पॉइंट्स को, सारे के सारे बिंदुओं पर रोशनी डाली है, सबके सभी पॉइंट उन्होंने क्लियर किए हैं? क्या कहीं वो फिर से बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे, क्योंकि आज का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, इस पे कोई दो राय नहीं है। आज की आम जनता बिल्कुल महंगाई से भी जूझ रही है, सब कुछ महंगा हो चुका है, गैस कनेक्शन महंगे हो चुके हैं। हालांकि इसके पीछे तर्क यही दिया जाता है कि हमारी जीडीपी, हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, काफ़ी मजबूत स्थिति में आ रही है, तो इस इतनी महंगाई तो बढ़ेगी। हालांकि फ्यूल प्राइजेस, हमारे जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो काफ़ी बड़ी है, पिछले कुछ सालों से अगर कंपैरिजन देखा जाए तो इजाफा काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, पैमाना भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि विपक्ष की नारेबाजी के बीच, जोरदार हंगामे के बीच, राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे, लगातार 85 मिनट तक बोलते रहे। गोपाल सिंह नेगी कुछ कह रहे, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। आपको भी कैसे हैं आप? क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना था? उस पर आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने पुराने तीन जो समय में जो हुआ था, इंदिरा गांधी के समय, जो 1977 के वक्त हुआ था, 75 से 77 के वक्त इमरजेंसी लगी थी, आर्टिकल 356 का जिक्र, नेहरू सरनेम नहीं यूज़ करने का जिक्र, तमाम ऐसी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में कही और विपक्ष को जमकर एक तरह से हमला बोलने की कोशिश की उन्होंने। क्योंकि राहुल गांधी ने लगातार जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए वो सवाल उठाए थे, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ था कश्मीर में, जब उन्होंने लाल चौक पर झंडा फहराते हुए, तिरंगा फहराते हुए कहा था कि मैं झंडा फहरा सकता हूँ क्योंकि कश्मीरियों ने मुझ पर ग्रेनेड नहीं फेंके, हैंड ग्रेनेड नहीं फेंके, यहाँ पर कश्मीरियों ने मुझे सीने से लगाया, कश्मीरियों ने मुझे गले से लगाया, मैं खुद भी कश्मीरी हूँ। और कश्मीरियत इसी को कहते हैं, प्यार मोहब्बत बांटने को ही कश्मीरियत कहते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा था। तो इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैंने भी लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, तब मेरे खिलाफ पोस्टर्स लगे थे कि यहाँ आओगे तो मार दिए जाओगे, माँ का दूध पिया है तो यहाँ तिरंगा नहीं फहरा सकते। इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं वहाँ गया, मैंने माँ का दूध पिया था और इसलिए मैंने वहाँ तिरंगा फहराया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये राहुल गांधी जिस तरह लाल चौक पर जाके इतना काफ़ी 1.5 घंटा का भाषण दे के आए, तिरंगा फहराया, ये सब मुमकिन भी भाजपा की सरकार से हो पाया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था, उसी के बाद ही मुमकिन हो पाया कि जम्मू कश्मीर में हालात इतने सुंदर हो चुके हैं, शांति कायम है वहाँ पर लगातार, और वहाँ पर कोई भी, चाहे भारत का कोई भी नागरिक वहाँ जाकर काम कर सकता है और अब किसी बात का डर नहीं है। इतने सालों में आतंकवादी जो घटनाएं हैं उन पर भी काबू पाया गया, वो भी बहुत कम हुई है, तमाम ऐसी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, कल फिर मिलूंगी लगभग 6:30 के करीब। आप भी जुड़कर चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं और कोई सवाल हो, अपनी राय हो, वो भी व्यक्त कर सकते हैं। आपसे इजाज़त लेती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें, नमस्कार।